जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज मैं बता दूँ, ये 30 तारीख का वीडियो, यानी कि 30 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। लेकिन एनिवर्सरी का कोई भी मुझे ध्यान ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो ये उसी दिन की मॉर्निंग की है। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी थी सबके लिए, नहा के मैं आ चुकी थी और उसके बाद मैंने सब्जी बना दी थी। और यहाँ पे तो पापा जी की 13वीं हुई थी 29 तारीख को, और फिर ये दूसरे दिन 30 तारीख का ही वीडियो है। बुआ, छोटी बुआ, सब लोग बोलना चाह रहे हैं डैडू और माँ को कुछ। हैप्पी मैरिज रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, वाओ, क्लैपिंग क्लैपिंग। हो गया माँ, अभी चलेंगे, अभी अंदर चलेंगे। चाय और बुआ बाप को कुछ बोलना चाहती है। वो कहाँ भाग गया? सुर भी कौन सा लल्लू? वो लल्लू नहीं पीता, रहने दो भाई, जब तुम नहीं पियोगे दे देंगे उनको। ले लो ना, कॉफी है ना। तनिष्क का, तनिष्क को दे दे। तो यहाँ पे गाइज मेरी नंदो ने मुझे विश किया था, तभी एक दो शॉट बना लिए थे। और यहाँ पे मामी जी बात कर रही हैं लव के पापा से, और मम्मी लेटी हुई हैं, और उधर बाहर सब बच्चे मामा जी के साथ बैठे हुए हैं। तो घर में पूरा भरा हुआ ही माहौल था। और यहाँ पे मैं बता दूँ, तो गाइज आज मैं बता दूँ कि आज मामी चली गई हैं और अभी मेरी ननंद है, वो कल जाएंगी। तो अभी तो इतना नहीं मालूम पड़ रहा है क्योंकि सब लोग हैं, लेकिन जब सब लोग, हाँ आई थी वो, तो इतना नहीं हो रहा है अब। तो अभी मम्मी मेरे पास बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर लूं, क्योंकि बच्चे और मेरी नंदे गई हैं, रिको लव के पापा के साथ हैं, वहाँ पे कुछ देना है। गाइस मामा जी के साथ खेल रहे हैं बच्चे चेस। मामा जी के साथ बच्चे चेस खेल रहे हैं, और गला पूरा बैठा हुआ, खांसी हो रही है। ये थर्सडे को 30 तारीख का ही वीडियो। यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान के लिए ओनली 7 पराठे बनाए थे। और मैं बता दूँ, पहले वाले में तो हम व्रत में रही नहीं थी, लेकिन अब की बार वाले पे मैं रह ली थी, क्योंकि 13वीं हो चुकी थी पापा जी की। और यहाँ पे जेठ जी और मेरी ननंद सब लोगों के लिए प्रसाद बना रही हैं, जो भी प्रसाद बचा था वो सबके घर में पहुँचाना है, तो यहाँ पर वो ही बना रहे हैं। गाइस खाना बन चुका है और मामी मेरे पास बैठी हुई हैं, और बाहर है ना प्रसाद है ना, सब पूरी अपने जहाँ तक प्रसाद पहुँच सकता है पापा जी का, वहाँ तक प्रसाद को पहुँचाया जा रहा है। मंजू दीदी और भाई साहब सब लोग है ना, अपनी फैमिली के सब लोग लगा रहे हैं प्रसाद की, और चाचा जी उनको देने जा रहे हैं, और मम्मी यहीं पर मेरे। तो गाइस आज है हमारी शादी की एनिवर्सरी, पर पापा जी के बिना है तो सब कुछ अधूरा लग रहा है। और पापा जी सामने हैं, सामने फोटो रखा है पापा जी का। मामी को मैंने रोक लिया है, मामी को जाने नहीं दिया। कंघी तो मैंने आज की नहीं है गाइस, बिल्कुल भी कंघी, समय मिल नहीं रहा, बिल्कुल भी कंघी नहीं हो रही, बाल वाल सब ऐसे ही हो रहे हैं। और यहाँ पे गाइस लगभग 1:15 का टाइम है, और यहाँ पे मामी और मैं और मंजू दीदी है ना बातें कर रहे हैं। तो मामी बैठी हुई हैं, मामी अपनी बातें बता रही हैं मुझे, और मंजू दीदी हम बातें कर रहे हैं। तो अभी तो सब लोग हैं घर पे, तो ऐसे ही चलता है काफ़ी देर तक, 2-2 बजे तक है हमारी बातें होती हैं। और जब ये लोग चले जाएँगे उसके बाद तो काफ़ी बुरा लगेगा, और उसके बाद एकदम खाली घर हो जाएगा। और मैं बताऊँगा गाइस कि यहाँ पर सुरभि भी मेरे पास में ही है, क्योंकि तो ये गाइस 1 तारीख का ही है, मतलब 1 दिसंबर का है। और यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने सबको पहले सुबह है ना चाय जल्दी दे देती हूँ, फिर दूसरी चाय बनती है तब दूसरी चाय दे देती हूँ। तो यहाँ पे सबको पहली चाय दे चुके थे, उसके बाद खाने की तैयारी हो रही थी, और साथ में फिर सबको चाय भी दी जा रही थी। तो
यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि इन दिनों आपने भी काफ़ी अच्छा वीडियो को प्यार दिया है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करने का मुझे समय ही नहीं मिला था, क्योंकि इस रूम में भी और बाहर के रूम में भी और आंगन में और इधर सब लोग थे, तो मैं वॉइस ओवर का उतना जगह ही नहीं मिल पाती थी तो मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। लेकिन आप सब लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे जैसे ही समय मिला, क्योंकि बच्चे और मेरी ननंद गई हैं, मतलब रिको गए हैं वो, और मामी मामा जी चले गए हैं जगनेर, तो फिर मुझे, मैं और मम्मी यहीं पे रूम में ही बैठे हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आप, मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर ले रही हूँ। और अभी माय गॉड दादू नहीं खेल पाया, मैं क्या पता था दादू खेलते हैं, हमें पता तो नहीं, पता चली जैसे चैन में का रहे, उन्हें भी चैन में का रहे, तब से तो उनकी नहीं, हमने गोटी नहीं मंगाई थी ये, तो हम आते ही नहीं थे, तब तने से हम, तब दादू बीमार पड़े तब हमें आया ये। अभी लक्की बाबा टेबलेट लेकर आए हैं, मेरे को मम्मी को बहुत तेज ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है सर्दी, गला पूरा चौक हो रहा है मेरा, और खांसी भी बहुत तेज हो रही है, मम्मी को भी हो रही है, मम्मी के लिए भी दवा लेके आए, मम्मी को तो बहुत दिन से हो रही है, मतलब पापा जी के बाद से हो रही है, तो मम्मी तो दवा खा ही नहीं थी, मेरे को मेरा गला है ना अभी बैठ गया है, तो दवा लेके आए, लक्की पापा दवा खा ली है, और आज मामी जा चली गई है, मामी मामा आप तो लाला ना रहा दो मोए बजीर मार के मैंने ला दिया, बजीर मार के ला दो, चल अब कुछ बजीर तो सब रो हाथ पर है, होटल का तो दाना हाथ पर राजा, पूरे टाइम मेरे से बहुत दर्द है राजा, आप मेरे सामने ओए यार का तो झूठी नहीं था, और यार का कुंजों कर उठा लाया तुम, तो कह रहा हूं तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों हम बैठे हुए हैं, तो यहीं पे फिर मैंने शॉट भी बना लिया था मम्मी का, और क्योंकि मेरे पास कुछ बनाने को है भी नहीं है, और मैं बताऊँगी पापा जी की तस्वीर सामने ही रखी है, और मैं आपको बता दूँगी मम्मी यहाँ पे मेरे से कुछ बातें करती हैं, तो वो सब मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो वही हमारी बातें चल रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि हम माँ क्या बातें कर सकती हैं, तो पापा के बिना मम्मी काफ़ी अकेला महसूस कर रही हैं, तो वही मम्मी और हमारी बातें चल रही हैं, तो मम्मी को हम हिम्मत देते हैं, वही सब चल रहा है गाइस।